तो यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इज योर गेमर बॉय हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ GTA सैन एंड्रियास। तो जैसे आपको पता होगा, इस लास्ट एपिसोड में हमने बिग माफिया को एक ही बार में, भाई पूरी सिटी एक ही बार में लेटा डाली। एंड अभी हम है इस सिटी के सबसे बड़े माफिया। एंड बिग स्मोक ने मुझे बोला है, भाई तुमने ये बहुत तगड़ा प्लान बनाया, लेकिन तुम्हारा प्लान तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन हाँ तुम्हारा जो मतलब वो होता है ना गैंगस्टर जो वो था वो अभी हट चुका है। अभी हम है इस सिटी के सबसे बड़े माफिया, मतलब भाई सबसे बड़े माफिया। और अभी गाइस मुझे बिग स्मोक का फ़ोन आया था, बिग स्मोक ने बोला है कि इस काम के लिए तुमको तो भाई थोड़े पैसे भी मिल, हमने अकाउंट में डाल दिए। थैंक्स डॉग, दैट्स कूल। अभी तो कितने पैसे थे, 2 मिलियन, 2 लाख, इतना तो $2 लाख 2,429,000,000 $2,429,000,000 हमारे पास है। एंड हाँ अभी गाइज देखते हैं यार आगे क्या होता है। एंड आप लोगों ने भाई इतना 2-3-4 दिन होते शायद से वो वीडियो डाले थे, आप लोगों ने भाई इतना अच्छा यार रिस्पॉन्स प्यार दिया। 70 व्यूज का रखा था, आपने 75 कर दिया भाई, क्या बताओ यार। और इसीलिए जल्द इतनी जल्द वीडियो आई। तो चलो गाइज अभी हम देखते हैं गेम प्ले के अंदर। एंड ये बलाज गैंग के बंदे क्या कर रहे हैं, व्हाट वाज यू सेइंग, स्वालो विद दैट। ओ भाई मुझे गाइज अभी क्या सीन है पता है, जब से मैंने बलाज गैंग मतलब जब से मैंने बिग माफिया को मारा है ना भाई, सारे जो बलाज गैंग के बंदे हैं ये भाई मतलब मैं क्या बताऊं यार, ये सारे के सारे हमारे गैंग के साथ दोस्ती करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी गैंग तो मानती ही नहीं है भाई कि और किसी को भी गैंग में नहीं लेना। कि मैंने बोला कि मैंने जो स्वीट है उसको मैंने बोला कि भाई हमारे गैंग पे अगर बलाज गैंग भी आ गए तो एक चीज अच्छा होगा, ठीक है। एंड गाइस मेरी पता नहीं आज गाड़ी कहाँ चली गई। और मैं एक चीज तो मैं बताना भूल गया, आज मैं 4 बजे उठ के बिग स्मोक के घर पे, उसने बोले बुझाया था, एंड आज हमने उसके घर पे जम के भाई मतलब पार्टी की। एंड उसके बाद हम घर पे आ गए और उठे हैं हम, मतलब नहीं घर पे आ गए, उसके बाद 3-4 घंटा थोड़ा टीवी देखे, उसके बाद भाई अभी मैं जा रहा हूँ। मुझे स्वीट ने बोला मतलब बिग स्मोक ने मुझे बोला है कि सिटी में है तो उसके साथ तुमको एक डील करनी है, तो वो डील सिर्फ तुम करोगे, मतलब मुझे करने बोला उसने। भाई गाड़ी पे बैठ जा, ये लिमोजिन भी यार मैंने कहा पता नहीं भाई कहाँ पार्क कर दिया, हट। चलो गाइस अभी मैं गाड़ी पे बैठ लेता हूँ। भाई ये गाड़ी पता नहीं किन लोगों को याद है, ये मेरी न्यू कार है, hey, man, watch out! जो मैंने भाई मेहनत से कार का टोटल प्राइस है $20 मिलियन जिसकी कार का प्राइस है। भाई क्या चलती है यार, ये मेरी फेवरेट कार है GTA San Andreas। इधर ही किसने मुझे बुलाया था इधर भाई मीटिंग करने के लिए। ये तो नहीं है शायद, हो ये रहा, ये रहा गाइस। हाँ तो अभी मीटिंग किस दिन भाई, फाइनल बता
You can try to kick me out. पर मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं $50 million तो मैं दूंगा ही नहीं, मैं $30 million दूंगा, अगर चाहिए तो ले, नहीं तो डील खत्म कर सीधा, वरना भाई इधर गोली से फोक दूंगा, बता लेगा कि नहीं। ठीक है भाई, अगर तू नहीं ले रहा है चलो। गाइस इसने मुझे बोला कि ये नहीं ले रहा है, मैं एक बार इसकी जो बॉस है उससे बात कर ले, तो मतलब भाई अभी तो कोई हमारा बॉस नहीं है, लेकिन हाँ उसके बॉस से, मतलब हमारा हमारे नीचे काम करने वाले बंदे से। ठीक है, हेलो, हाँ मैं सिटी का सबसे बड़ा माफिया बोल रहा हूँ सीजे, तो एक से सुन ले, ठीक है, मैं तुझे $50 million नहीं दूंगा, अगर तुझे वो शोरूम मुझे देना है तो तू भाई मुझे $30 million पे देना पड़ेगा, वरना भाई डील कैंसिल कर, मैं नहीं ले सकता। लू क्या बता, शोरूम शोरूम की बात करने के लिए तूने इधर बोला है ना, शोरूम की बात नहीं है, अबे कौन सी बात है बता ना। इसने अभी गाइस फोन पे थोड़े टाइम पहले 3 बजे उसने बोला था कि भाई मेरे इधर आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है शोरूम के बारे में। लेकिन भाई मुझे अब पता चला कि ये शोरूम के बारे में नहीं पूछ रहा है, प्रॉब्लम क्या वो बता। ओ पर्पल गैंग के बंदे, मतलब पर्पल गैंग के बंदे आपको भाई परेशान, मतलब आपसे वो क्या बोलते हैं, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं आपको कि भाई इतने पैसे दे दो तभी तुम्हारी गाड़ी ले जाओगे, वरना भाई नहीं मिलेगी। ठीक है चल मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। तो गाइस इसने मुझे बोला कि पर्पल गैंग के जो बंदे हैं उन लोगों ने इसको, इसकी गाड़ी है वो, उस गाड़ी को इन लोगों ने पकड़ के रखा है, एंड अभी मैं जा रहा हूँ पर्पल गैंग के बंदे के ग्रुप पे, एंड एक गोली चलाऊंगा भाई, सारे के सारे मेरे पीछे। पर्पल गैंग का बंदा जा रहा है, हुडी पहन के। Raise up, Mark. रुक जा। ये देखो गाइस, ये रहा पर्पल गैंग का बंदा। ओए। Man, you stink. चुपचाप रुक जा। और जो तूने मरना पड़ेगा तुझे गाइस, मैंने उसको तो मार दिया, पता नहीं भाई क्या हो गया। लेकिन हेलो, हाँ मैंने तेरा काम कर दिया कंप्लीट, लेकिन एक चीज समझ ले, तू मेरे नीचे काम करता है, मैं तेरे नीचे नहीं, ठीक है। और गाइस ये चीज तो भाई हो गया, अभी मुझे ना बिजनेस करना है भाई, ऐसे ही मस्ते ऐसे ही घूमते हैं। Get up, baby Bob, come on। मैंने नहीं बनाया। भाई बिजनेस करना पड़ेगा, तभी GTC जाएगा ना। अभी गाइस मैं जा रहा हूँ मेरे घर के इधर। मेरे पिक्स मूव ने बोला कि इधर एक शोरूम है, अगर तुमको चाहिए तो ले सकते हो। मैं तुमको लेकिन वो शोरूम खुद बनाना, मतलब पैसे देके बनाना, पैसे थोड़े कम होने चाहिए, बिकॉज भाई मैं माफिया हूँ, अगर माफिया से इतना ज्यादा पैसा लिया तो भाई डील कैंसिल, $30 million पे डील डन, बता डन होगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो भाई जो अभी मैंने बिग स्मोक से बात कर ली, उसने मुझे बोला कि भाई $30 million पे तुम्हारा वो मतलब शोरूम तुमको मिल जाएगा, एंड उस बंदे ने बोला कि शोरूम तुम्हारा इधर ही कहीं है, देखो यार कौन कहाँ से है।
तो whose weed is this anyway? What is this shit we're smoking? Grows are dope, man. ये जो है ना, ये है तुम्हारा कार का शोर, मतलब इधर ही हमारे कार बिकने वाले को, ये तुम सोच लो, ये रहा तुम खरीद चुके हो तुम्हारा ऑनलाइन डिलीवरी देने वाला, तो इसीलिए अगर किसका फोन आया तो इसको, लेकिन जब मैं उसको देने जाऊंगा ना भाई, तब आएगी मेन टेंशन। और मेरे पास भाई इतना गाड़ी भी नहीं है गाड़ी को उठा ले जाने के लिए, तो हाँ एक सेकेंड यार, मेरी गाड़ी तो मैंने इधर ही खड़ी कर दी, लेकिन अभी एक बार मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं शोरूम खोलूँ तो खोलूँ कहाँ। चलो गाइज, इधर ही शोरूम अपना बना लेते हैं, एंड इधर ही हमारे सारे जितने भी कार होते हैं वो हम इधर ही पार्क कर देंगे। लेकिन यार शोरूम का जो आइडिया है ना, इस पर थोड़ा सा कचरा होगा, बिकॉज जब हम शोरूम खोलेंगे, बिकॉज अभी तो हम इतने बड़े माफिया हैं, तो शोरूम खोल के भाई फ़ायदा क्या है? तो भाई हम अभी माफिया ही रहते हैं, थोड़े गैंगस्टर वाले काम करते, मतलब माफिया वाले काम करते हैं। तो कल मतलब हमने एक प्लान बनाया, कल हमको एक बैंक लूटना है। तो कल गाइज हम भाई एक बैंक लूटना है, पता नहीं कहाँ पर कि ना बैंक लूटना है। तो मैं क्या बताऊँ, एक बड़ा सा एक घर है जहाँ पर हमको कुछ लूटना है, लेकिन वो एक ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर है, उसके घर पे हमको थोड़ी मतलब लूटना है। तो वो एक पहले हमको बहुत क्या बोलते हैं यार, पहले उसने हमको बहुत टॉर्चर किया था, लेकिन अभी उसकी बारी आती है भाई। तो गाइस कल हमारा प्लान बन चुका है, कल मैं जाने वाला हूँ उस आर्मी के पास, तो मैं तब तक एक घंटा सो लेता हूँ एंड फिर से उठता हूँ, एंड मिलता हूँ आपको एक घंटा बाद, मतलब सोने के बाद, ठीक है भाई, रियल में नहीं, मतलब हाँ सोने के बाद। मैं गाइस सो लेता हूँ एंड आपको मिलता हूँ एक घंटा बाद। ओके गाइस लेट्स गो भाई, हमने थोड़ा मतलब अभी हम सो चुके हैं एंड अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, मतलब इस साइड कहाँ पर एंड, और मैं तो सो के उठ चुका हूँ एंड अभी बज रहे भाई 24 आवर क्लॉक टाइम है, बता तो सकता हूँ, टेंशन नहीं है। अभी बज रहे गाइस 5 एंड 5 बजे मैं निकल लेता हूँ कि भाई वो प्लान पूरा करने के लिए। उस बंदे ने बोला था कि तुम्हारा जो वो घर है ना, वो इधर ही कहीं कहाँ पर है, जल्दी जाओ भाई पैसे लूटो आना। उसने बोला कि हमारे गैंग के बंदा है, लेकिन हमको एक बार उसने धोखा दिया था, अभी हम उसका धोखे का बदला एक पैसे से लेंगे, ठीक है। ये रहा मिलिट्री में काम नहीं करता तो भाई गया खत्म। एंड अभी गाइज मैं लूट लेता हूँ एंड आपको मिलता हूँ लूटने के बाद। एंड ओके गाइज लेट्स गो भाई, हमने इसके घर पे जितने भी पैसे थे सारे लूट डाले एंड भाई अभी हमारे पास इतने भाई पैसे हैं ना, मैं क्या बताऊँ, पूरी ग्रोव स्ट्रीट में बेच के वापस खरीद सकता हूँ, मेरे पास अभी इतना पैसा है। लेकिन अभी मुझे थोड़ा हाँ इतना ज़्यादा बड़ा माफिया हूँ, लेकिन भाई फिर भी ये कुछ ज़्यादा हो गया भाई ग्रोव स्ट्रीट। मेरी गाड़ी कहाँ गई पता नहीं गाइस, मैंने कहाँ रख दी पता नहीं गाइस मैं गाड़ी कहाँ रख मैं एक बार ढूंढ के आता हूँ, रुक जाओ।
रुक जाओ मैं एक बार लूट जाता हूँ। ओके गाइस लेट्स गो भाई, मैंने मेरे घर पे घारी तो ढूंढ ली, मुझे मिल तो गई। अभी मैं आया था थोड़े टाइम ऐसे रेस्ट करने के लिए, बिकॉज भाई अभी मुझे बिग स्मोक का फोन आया। बिग स्मोक ने बोला है कि भाई तुम इतने बड़े माफिया हो भाई, ऐसे ही रहोगे क्या? इसीलिए उसने मुझे काम दिया, बिग स्मोक ने काम दिया। उसने बोला है कि तुम भाई एक शोरूम बनाओ यार, भाई सही में सच में बता रहा हूँ, अच्छा खासा शोरूम बनाओ, पैसे हेटो यार सबसे, मतलब क्या यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब बिग स्मोक ने मुझे बोला है कि एक शोरूम बनाओ। गवर्नमेंट के है तो भाई कोई भी एरिया हम खरीद नहीं सकते, तो मेरे हिसाब से घर पे मुझे शोरूम बनाना पड़ेगा और कोई फायदा नहीं है। तो अभी मैं कई काम कर लेता हूँ, अभी मैं थोड़े बहुत गाड़ी खरीद के लेके आता हूँ एंड आपको शोरूम बनाने के लिए ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। Not exactly premium liquor is. शोरूम ऐसी ऐसी भाई कोई बात नहीं है। Man, you a true friend. You know where you at, boy. भाई बनाना इतनी मुश्किल है ना, मैं क्या बताऊँ? Man, this is so ghetto. मैं ये मिलता हूँ आपको शोरूम पे थोड़े गाड़ी लेने के बाद, because शोरूम Not enough money men around this place. चलो गाइस मैं मिलता हूँ आपको शोरूम के गाड़ियाँ लाने के बाद। ओके गाइस लेट्स गो भाई, मैंने भाई दो कार खरीद ली है, एक $50 million की कार एंड एक स्ट्रेच, मतलब पता नहीं क्या है। एंड बिग स्मोक ने मेरे लिए ये खतरनाक हेलीकॉप्टर बेनी को बोल के बना दिया है, इससे मैं पूरी तबाही कर सकता हूँ, मतलब भाई पूरी खत्म। Telling me to lose तो somebody. भाई बहुत मजा तो आ गया भाई, लेकिन अभी ये दोनों कारी ये जो कार है अभी दो बंदों को बेच के आते हैं, तो मैं कार बेच के आता हूँ। ये दोनों कार है एक कार इधर की है एक जो गाड़ी है Get out of my way. पुलिस वाले क्या कर रहे हो भाई? ये पुलिस वाले क्या कर रहे हो भाई? और गाइस एक चीज मैं बताओ भाई, हम हट्टे कट्टे बन चुके हैं, मतलब भाई बॉडी बिल्डर बन चुका है भाई, एक बुक्के में एक एक को फोड़ सकते हैं। दिखाता हूँ मैं भी, दिखाता दिखाने के लिए तू इधर आ। Hit me then, homeboy. Yeah, they go, guys. Hey, give me that paper. Goli mare ho, bhai. Hamare gang ke bande ho gaye, bhai. Hum koi maroge, bhai. Leta dalenge pura. And abhi, guys, ruk jao, bhai. Main to dono guys deliver kar diye. Abhi tak pata nahi paise kyun nahi aaye. Main ek baar dekh leta hu abhi tak paise kyun nahi aaye. अभी भी पैसे नहीं। ओके गाइस लेट्स गो भाई, हमारे अकाउंट में सारे के सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए गए एंड भाई अभी बिजनेस में तो मज़ा आ गया यार भाई, मतलब क्या बताऊँ मैं, इनके हेलीकॉप्टर की वजह से बहुत 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 बुरा हुआ, मैं क्या बताऊँ यार, मैं मेरी गाड़ी निकाल सकता। ओह नाउ इट्स लाइक दैट, निकाल सकते क्या? ये हेलीकॉप्टर ना, ये बिग स्मोक ने मुझे स्पेशली ये मेरे लिए, मतलब मेरे लिए बनाया बेनी को बोल के। तो भाई बेनी हैट्स ऑफ टू बेनी भाई, इसने इतना खतरनाक हेलीकॉप्टर बनाया कि भाई पूरी ग्रोव स्ट्रीट को एक ही चुटकी में, मतलब वन क्लिक में भाई पूरी ग्रोव स्ट्रीट खत्म हो जाएगी। तो मुझे नहीं करनी है चीज़, जब कोई बड़ी वार करेंगे तब हम एंड हाँ, लेकिन अभी तक हमने कोई भी बड़ी वार नहीं की है, तो इसलिए अभी चुप बैठना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अभी बड़ी वार करके कोई फायदा नहीं है भाई, अगर अभी बड़ी वार करे तो भाई क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। अभी हम पूरे माफिया इस सिटी के,
लेकिन हमसे अगर कोई पंगा लेगा तो भाई इसका मुंह जो तोड़ने वाले ना भाई गलत तोड़ेंगे उसका मुंह भाई ऐसा गलत तोड़ूंगा ना उसका मुंह भाई Give me a dab. भाई मैं क्या बताऊं यार भाई गलत तोड़ूंगा मैं उसका मुंह पूरा फोड़ डालूंगा ठीक है गाइस मैं उसका मुंह फोड़ डालूंगा एंड अभी मुझे बिग स्मोक का कॉल आ रहा है मैं इसका कॉल उठा लेता हूँ हेलो दलाज गैंग वाले वापस अटैक करने की बात कर रहे भाई तुम लोग कभी सुधरोगे नहीं ना भाई कभी सुधर तो हो कि नहीं तुम लोग भाई तुम लोग जब मैं इन लोगों को मैंने बोला भाई हम हमसे दोस्ती कर रहे हो लेकिन नहीं भाई ये लोग अपने अक्कर पे घूमते हैं पूरी हेल्थ भाई फुल है एंड गाइस रुक जाओ एक मिनट मैं और एक बार मैं बिग स्मोक से बात कर लेता हूँ नहीं सॉरी इसका नाम क्या था स्वीट से मैं बात करूँ गाइस मैंने स्वीट से बात कर ली है भाई उसने बोला है कि भाई तुम जो शोरूम जो मतलब जो बिजनेस करो ना ये तुम करो तो करो लेकिन भाई तुम भाई वार मत करो यार किसके साथ मतलब फाइट वापस फाइट मत करो यार और अगर वापस फाइट हो तो तुम इस बार माफिया से निकल भी सकते हो ये चीज ध्यान रखो ठीक है यार मैंने बोला कि ठीक है हम मान लेते हैं आपकी बात भाई आप हमारे दोस्त हो तो हाँ हमने उसकी बात मान ली एंड मैंने बोला कि हाँ मैं किसी के साथ फाइट नहीं करता तो अभी मुझे बिग स्मोक का फोन आया था बिग स्मोक ने बोला है कि तुम अभी तो एक माफिया हो माफिया होने से मतलब कि तुमको थोड़े बंदों को नीचे काम करवाने हैं तुमको काम नहीं करना तो अभी अभी मैं बिग स्मोक ने बोला है कि पुलिस वालों को एक बार थोड़ा मतलब क्या करने के लिए पुलिस वालों को बोला है इसीलिए तुम जो एम्बुलेंस आई है ना तुम्हारे यहाँ उसको छोड़ दो पुलिस वालों को पता चल जाए एक सेकेंड भाई ये पुलिस वाले वापस क्यों आ रहे हैं पता नहीं पुलिस वाले वापस क्यों आ रहे हैं लेकिन पुलिस वाले जाने तक क्या जब तक पुलिस वाले जाते हैं मैं चुप मैंने इनको बोल के रखा है भाई नहीं नहीं के लेकिन फिर भी भाई कोई मेरी बात समझता ही नहीं है रुक जाओ मैं गाइस रुक ले तो जब तक पुलिस वाले नहीं जाते ठीक है ले आई नेवर आई थिंक आई हियर माय एंड सी यू जब तक पुलिस वाले गाइस नहीं जाते तब तक रुक ले तो भाई आपको मेरे को पुलिस वाले जाने के बाद उसका कॉल आ रहा है उसके बाद वापस आपको मिलता हूं यार ये क्या चल रहा है भाई चल क्या रहा है रुक जाओ गाइस मैं एक बार देख ले तो पैसे वापस आए कि नहीं ओके गाइस लेट्स गो भाई पुलिस वाले जा चुके हैं अभी पुलिस वाले ने बोला है कि भाई तुमने बिना बात में एम्बुलेंस को बोला तो तुम्हारे सिंपल सी बात है तुम्हारे पीछे तो वांटेड लेवल लगेगा ही फिर मैंने उसको बोला कि कोई भी वांटेड लेवल मेरे पे नहीं आना चाहिए वरना मैं तुझे इधर ही ठोक डालूंगा और मेरे पास कुछ तगड़ी गन्स है ना भाई देख के लोग बोलेंगे भाई मान जाओ इसकी बात एंड गाइस मैं थोड़ा टाइम भाई रेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा टाइम रुक लेते हैं उसके बाद जाएंगे अपने उधर मतलब क्या बोलते हैं यार बैठ जाओ यार थोड़ा टाइम हाँ चलो भाई थोड़ा टाइम गाइस बैठ लेटा आराम से भाई आराम से गाइस थोड़ा खाना पीना खा लेते हैं उसके बाद वापस चलते हैं भाई चलो यार भाई थोड़ा टाइम तो हो गया एंड अभी गाइस अभी मेन बात आती है अभी बिग स्मोक का पता नहीं फोन आ रहा है उसने मैं उसका फोन पकड़ लेता हूं हेलो बिग स्मोक भाई मेरे खिलाफ किसने पुलिस वालों को मतलब वो गलत अफवाह दे दी है कि मैं माफिया हूं मैं पूरा सिटी तबाह करने जाता हूँ भाई इसने क्या हिम्मत भाई मुझे अभी बोला कि भाई तुम्हारे खिलाफ किसने पता नहीं किस बंदे ने ऐसा कुछ किया है तो मैं गाइस
जा रहा हूँ भाई उसके पास एंड पता नहीं क्या होगा यार, मुझे डर लग रहा है, लेकिन जो होगा अच्छा होगा, ठीक है जो होगा अच्छा होगा। किसने ये चीज किया, मैं उसको पकड़ने जा रहा हूँ। Just how I like. Hey, what's cracking that? मेरा भाई, बात करोगे भाई? पुलिस वालों को गलत अफवाह फैलाओगे? माफिया? This all you giving me? इतने साल से ऐसे माफिया नहीं बनो भाई, छोड़ूंगा नहीं। And guys, आज अभी मुझे डिस्मोक का फोन आया भाई, वो काम करने के बाद तुमको आज पार्टी में, एक पार्टी में बुलाया गया है 10 green bottle में, उधर तुम्हारी एक बहुत मस्त वाली पार्टी है, तुम उधर एंजॉय करो एंड देखते यार भाई पार्टी में क्या होता है। Hey, baby, you make my nuts boy. भाई कैसे हो भाई, सब लोग भाई मस्त ना? हेलो, हाँ तो मैं वापस तेरे पास आ गया। अभी मेन बात बता कि भाई अभी गैंग कैसे चलाना है, गैंग नहीं चल सकता? ताकि भाई इनको शक नहीं होना चाहिए। The liverwurst was green, but I ate it anyway. मैं बॉम्ब लगा के रखता हूँ ताकि भाई कोई भी गड़बड़ हो कि मैं इसको फोड़ दूँ सीधा, ठीक है? तो इधर भी एक बॉम्ब जाएगा, इधर भी एक बॉम्ब जाएगा एंड Damn, you musty as hell, Luke. You want something? सीधा उधर भी। Now when I slap you, don't trip. गाइस मैं इधर उधर एक बॉम्ब फेंक देता हूँ ताकि देखते यार कैसा धमाका होता है, मतलब इसीलिए नहीं बिकॉज भाई सेफ्टी के लिए तो बनता ही है। अगर एक भी अगर इसने हरकत की ना भाई मैं बटन दबा दूंगा। ये रहा। भाई देख अभी तेरी सिंपल सी बात है, तूने जो डील करने कोशिश किया, मैं $50 million में तो शोरूम नहीं लूंगा और मैंने मेरा शोरूम खरीद भी लिया। अगर तुझे मेरे शोरूम से कार चाहिए तो भाई ये चीज गलत है यार, ये चीज मत भाई, ये चीज मत करो। People say I give my production secrets away. ऐसा नहीं होता है, ठीक है ऐसा मत करो भाई, ठीक है गाइस ऐसा मत करो यार, ऐसा नहीं होता, ठीक है भाई। तू जो भी बोल ले मैं तेरी बात नहीं मानने वाला, तेरी बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा गाइस। ओके गाइस लेट्स गो भाई, इसने बोला कि $30 million पे, हाँ मैं तुम्हारी कार नहीं खरीद रहा, $50 million पे तुम ले भाई, दे दूंगा मैं $50 million। ओ माय गाइस, इसने इतनी बड़ी प्लानिंग करके रखी थी भाई साहब, भाई इतनी बड़ी प्लानिंग। गाइस मैं भाई मैं घर जा रहा हूँ अभी, मैं बिग स्मोक को ये चीज बताना ही पड़ेगा भाई, मैं ये चीज गाइस बताने जा रहा हूँ बिग स्मोक को एंड चाहे गाइस मैं चलता हूँ बिग स्मोक को ये चीज बताने के। ओके गाइस भाई लास्ट नाइट इतना गलत सीन हो गया था ना भाई, मैं बता नहीं सकता, लास्ट नाइट पूरी मतलब पार्टी में इसने ऐसी प्लानिंग करके रखी थी भाई, बॉम्ब प्लान कर दिए, मैंने मेरे बॉम्ब भी प्लान करके रखे थे, फिर भी भाई यार ये हद होती है यार, ये गाइस ये गलत बात है यार भाई, ये बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा नहीं होता है भाई। एंड मेरा हेलीकॉप्टर भी बेन ने बोला है कि तुम इधर मत रखो वरना ये चोरी हो भी सकता है, तो इधर मत रखो। बेन एक मतलब बिग स्मोक ने एक सीक्रेट जगह पे उसको रख दिया है ताकि सिर्फ मैं उधर जा सकूं। एंड ये लोग के गाइस भी शौक हो गए, और गाइस अभी मुझे बेनी का फोन आया था, बेनी ने बोला है कि भाई तुम्हारे गैंग के बंदो जितने भी थे ना सबको इन लोगों ने किडनैप कर लिया है एंड अभी ये लोग तुमको मारने आ रहे हैं। एंड ये है भाई एक बहुत बड़ा मतलब गैंगस्टर, उसका नाम था पता नहीं क्या था उसका नाम, oh!
पता नहीं गाइस उसका नाम क्या था, लेकिन उसका नाम तो भूल गया, लेकिन फिर भी भाई उसने मुझे बोला कि उसका नाम कुछ भाई क्या था यार, अमेरिकन माफिया, उसका नाम कुछ अमेरिकन, भाई हमारे पल्ले भाई सिर्फ अमेरिकन माफिया से, पर पता नहीं क्यों पर रहेगा जी, पता नहीं अब ये अमेरिकन माफिया कौन है यार भाई, इसको तो पता लगा नहीं पड़ेगा कौन है ये बंदा भाई, खंपिया टेक है ना। जो मैं तैयारी गाइस थोड़ी कर ले तो हूं, तैयारी करने के बाद आपको मैं मिलता हूं। ओके गाइस लेट्स गो भाई, गैंग के बंदे आ चुके हैं भाई, अभी तुम लोग की बात लगने वाले, रुक जा तू, रुक जा भाई, तुमको मारोगे ना चला देंगे भाई, चला डालेंगे भाई, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे भाई, पंगे लोग हैं। हाँ और कौन आएगा, और कौन आएगा, कौन आएगा और पंगे लेने के लिए, कौन आएगा भाई, आ जाओ सामने, मुंह जो That's some good drink. Your family should have worn rubbers. Give me that grip. किधर भाई, अगर दिख गया ना क्या गलत मारूंगा भाई, पूरी पूरा इसको ही फोड़ना पड़ेगा, पूरा इसको ही मुझे फोड़ना पड़ेगा, मुझे लग रहा है पूरा इसको ही फोड़ना पड़ेगा, पुलिस वाले आ गए भाई, पुलिस वालों को हटाना पड़ेगा भाई, पुलिस वाले आ गए, मैं भाई बेस्मो को बोलता हूँ कि पुलिस वालों को हटाने के लिए दूसरी जगह पर आइए, मैं इसको फोन कर रहा हूँ, रुक जाओ मेरा पूरा वापस, अब और कौन आएगा, दिखा तो भाई सामने वो का जो रहा भाग रहा, वो देखो भाई वो जो टी शर्ट में, ये रहा अमेरिकन नाम है भाई, ओ भाई 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 इधर इधर इधर, क्या अपने भाई ने गलत स्नाइपर बजाया भाई, और कौन आएगा बताओ, कौन आएगा और कौन आएगा, मेरी हेल्थ बिल्कुल ही डैमेज हो गई गाइस, मैं मेरा पहले वेस्ट लेके आता हूं इधर ही कहीं, पता नहीं मैं भूल गया, ओके गाइस लेट्स गो भाई, इतनी दवाई हो चुकी है, पिन हिम डाउन ब्रो, व्हाट द फक दिस फॉर, मुझे बचना पड़ेगा, आई विल शो यू हाउ टू फाइट ट्रिक,
पंगा डालूंगा और पंगे लोगे भाई हम तो और कौन आएगा पंगे लेने गला काट डाला पूरा ये देख तेरा गला नहीं बचा ठीक है और अगर वापस उठ के मार दी कोशिश की ना कि जो गोली तेरे इधर भी घुसा मेरी गाइस मेरी और कौन आएगा सामने वो आएगा किसकी हमारे गैंग के बंदों को किडनैप करोगे ना आरू What's up? Yo! और कोई आएगा अनलबेल बिल्कुल ही कम है ए होस कवर मी फोड़ देंगे पूरा फोड़ डालेंगे सबको You want some lead in you? Where's your prime? कब है
मैं थोड़ा मेरा आर्मर मैं फटाक से बना के लेकर आता हूँ। Give me that pipe. मेरी हेल्थ इतनी कम है ना मैं बता नहीं सकता। मेरी हेल्थ पूरी डाउन हो चुकी है। Okay guys, let's go भाई। अभी अमेरिकन माफिया मान चुका है भाई, मत मारो और किसी को भी। मैं तुम्हारी बात पूरी की पूरी मानता हूँ एंड ये चीज भी मानता हूँ भाई तुम भाई, मतलब ये चीज भी उसने कबूल कर ली कि भाई उसने हमको मतलब वो भाई हमको मारने की कोशिश की है। और उसने बोला ये चीज भी बोला है भाई कि और किसी को भी मत मारो वरना भाई मेरी पूरी गैंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मान लेते तेरी बात, लेकिन आइंदा से अगर इधर आया तो भाई खत्म कर डालूंगा पूरा। तो भाई उसने बोला कि ठीक है भाई नहीं आऊंगा। तो हाँ, तो पूरा मामला तो भाई सॉल्व कर दिया मैंने एंड अभी मैं आ चुका हूँ मेरे घर पे थोड़े कुछ लेने के लिए। मैं बाहर चलता हूँ जोरा भाई। अभी हम एक हट्टे हट्टे बॉडी बिल्डर है ठीक है। You look like a morph, CJ. You got squats, huh? एक भाई देखो, अभी इतने बड़े बॉडीबिल्डर है ना भाई, क्या मतलब मसल पूरी ऐसा बढ़ चुकी है पूरी गाइस। और कोई दंगा लेगा? और मोटू इंसान इधर 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 आ इधर। You heard her. Don't run away. चाकू हमारे गैंग के बंदे, हमारे गैंग के बंदे भाई चाकू से। You best ready for the smackdown. Why are you disrespecting? Oh, you got it. I'm mad at you. Okay, guys, let's go, bhai. अभी मैं आ चुका हूँ मेरे घर पे, मेरा हेल्थ पूरा डैमेज हो गया था एंड भाई वो पता नहीं कौन थी, पता नहीं अटैक करने क्यों लगी थी वो भी हॉस्पिटल जा चुकी है एंड भाई मुझे एक चीज पता चला भाई, मैं आया बाहर भाई मुझे मारने आई थी इसलिए मैंने उसको मार डाला। Yo, give me some love, homie. You tripping? ये बला गैंग What is this shit with smoking? Oh yeah, what's happening, fool? Wrong way to get my. Whose weed is this anyway? Tubi. एक तो. Hey, I had that now. इधर आ. और guys, ये cheat is ending आपके आपको gameplay में बहुत मतलब क्या बताऊँ, बहुत लोगों को cheat is ending आपका gameplay पसंद आया है भाई. इसके लिए तो भाई आप लोगों ने इतनी जल्दी 70 व्यूज क्या 70 छोड़ो 75 कर दिए एंड हमारे चैनल पे कॉम्प्लीट हो चुके और हाफ सब्सक्राइबर्स मतलब और सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स बाकी है, उसके बाद हमारा चैनल हो जाएगा मोनेटाइज एंड भाई Straight. उसके बाद काम करता हूँ। Hey there. You win it for life, What's huh? Up, dog? The city's full that's of right, life. That's right. And it's tight, man. You ever suck the fudge out of a Rusty Brown donut? Oh, that's right. Cool, baby, cool. Let me go find some chronic later. 100K special stream आएगी. तो आज 100K का नहीं, कल ही हुआ था 50. Oh, this that bomb. तो हुआ था कल. What was you saying? कल को आज celebrate कर रहे. मतलब video. Right on, dog. 50 मतलब हाफ गोल हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड और हाफ बाकी, उसके बाद भाई हमारा यूट्यूब का काम है वो कंप्लीट हो गया। You still wear a prison issue man? तू ज्यादा चोरा बन रहा है क्या? ये रख के घूसा पड़ेगी ना भाई तब समझ में आएगा सीजे कौन। एंड अभी गाइस मुझे बिग स्मोक का फोन आया था, बिग स्मोक ने बोला है भाई बिना बात में किसी को भी मत मारो बिकॉज तुम अभी एक माफिया हो यार और कितने बंदों से बदले लोगे और कितनों को मारोगे भाई, इसलिए अभी बिना बात में किसी के साथ कभी मत लो। एंड हमारी शोरूम का एक डील आ चुका है, शोरूम का एक बहुत मस्त वाला डील आया है तो आज मैं उधर जा रहा हूँ वो डील लेने के लिए। लेकिन पता नहीं मैंने गाड़ी कहाँ पार्क कर दी थी
तो डील उसने बोला है कि भाई तुम उधर मिल जाओ, उधर उधर हम डील कर लेते हैं। लेकिन पिछली बार तो याद होगा भाई क्या हो गया था मेरे साथ, इसीलिए अभी मैं सारे के सारे गन्स लेके घूम रहा हूँ ताकि अगर उसने थोड़ी सी भी हरकत की ना भाई, ये गन सीधे उसके मत्थे पे जाने वाली है पूरा पक्का। उसको मैं बोल देता हूँ कि कार का प्राइस है इसको $30 million में चाहिए एक सुपर कार, लेकिन वो कार मैं उसको बोला कि भाई उसको उस कार का टोटल प्राइस है, मैंने इसको $50 million में खरीदा, भाई तुझे मैं $30 million में देने वाला कौन हूँ भाई। ये रहा बंदा भाई, तो सुन ले, तो एक सेकेंड, तुझे $30 million में भाई कार नहीं मिल सकती यार हमारा, मैंने वही सेम टू सेम कार $50 million में खरीदा और भाई मुझे $50 million पे तो तुझे देना ही पड़ेगा, अगर तूने $50 million नहीं दिया तो भाई तुझे ये कार नहीं मिलेगी, सॉरी भाई। अभी मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी न्यू शोरूम है, पहली बात भाई मेरा नुकसान हो जाएगा इतने का भाई, अरे $50 million का पूरा नुकसान हो जाएगा मेरा, देगा या भाई मानेगा मेरी बात, $50 million देगा, डील पक्का पूरा, ठीक है चल मैं कल तेरी गाड़ी डिलीवर कर दूंगा। एंड गाइस इसके साथ भाई डील हो चुका है, इसने बोला कि हाँ मैं तुमको $50 million दे दूंगा, लेकिन हाफ ऑफ करके, मतलब पहले वो $30 million देगा, उसके बाद वो $20 million देगा, उसके बाद $50 million हो जाएंगे कंप्लीट। तो ऐसे ही उसने बोला है देगा, बिकॉज इसीलिए तो उसकी गाड़ी तो अभी तक आई नहीं है, तो अभी मैंने बेनी से बात की, बेनी ने बोला भाई कि तुम्हारी जो गाड़ी अभी तक नहीं आई वो कल आ जाएगी, टेंशन मत करो। एंड गाइज आपको पता है आज ये जीडी सेंटर्स का वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं आज ही के दिन ही डालने वाला हूँ, आज ही करके आज ही, कल मैंने बोला था कल मेरा वादा टूट गया, बिकॉज भाई कल और कल है गाइस संडे, कल तो आपको पता है कल क्या धमाके मचने वाला है, कल होगी एसएमपी की मेन स्ट्रीम, मतलब हाँ कल है एसएमपी की मेन स्ट्रीम, एंड नहीं आज सैटरडे है क्या, मैं देख लेता हूँ, हाँ गाइस आज सैटरडे है, आज मैं स्ट्रीम कर भी सकता हूँ, लेकिन नहीं यार स्ट्रीम की अभी कोई जरूरत नहीं, स्ट्रीम गाइस करेंगे कल, तो कल आप भाई टाइम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कल सब लोग एक ही टाइम में आ जाना, मतलब सुबह की मैं दिन में ही स्ट्रीम करता हूँ, अच्छा मैं दिन में स्ट्रीम करता हूँ, तो दिन के टाइम में सब लोग आ जाना स्ट्रीम पे, एंड कल भाई पूरी धमाके वाली स्ट्रीम होने वाली है। एसएमपी में अभी बहुत न्यू मेंबर्स आ चुके हैं, अभी हमारे साथ एसएमपी में माई गोल्ड गेमिंग के साथ भी और न्यू मेंबर्स हैं, मैं बताऊंगा यार स्ट्रीम में, कल की स्ट्रीम में पता चलेगा, कल स्पेशल स्ट्रीम है, समझ लो कल एक स्पेशल स्ट्रीम है, तो कल की स्ट्रीम पे गाइस आपको जरूर भाई क्या बोलूँ मतलब आपको कल की स्ट्रीम पे आना तो है ही, कल की स्ट्रीम पे आप लोगों को भाई आना ही है, कल की स्ट्रीम पूरी तबाही वाली स्ट्रीम है बिल्कुल। एंड अभी बजे जीडी सेंटर्स में 9, एंड अभी मैं मेरा इधर का टाइम चेक कर लेता हूँ, अभी बजे इधर 3 बजे शायद से, रुको मैं देख लेता हूँ गाइस, तो अभी 1 बजे, एंड 1 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड शायद से मैं 3 बजे मैं अपलोड कर दूंगा, 3 बजे पक्का पूरी वीडियो आ जाएगी भाई, सब लोग देख लेना, अपना यूट्यूब खोल के रखो, मतलब कभी भी वीडियो आ सकती है, अभी भी मैं बिना एडिट करके भी डाल सकता हूँ भाई, 50 सब्सक्राइबर्स ऐसे ही कंप्लीट हो गए, एंड भाई मैंने वीडियो नहीं डाला, मैंने कल शॉर्ट भी बनाया था भाई, कल पक्का वीडियो आ जाएगी, लेकिन मैं नहीं आ पाई यार, रिकॉर्ड करने में मैं कसम से बता रहा हूँ, रिकॉर्ड करने में इतना टाइम लगता है भाई, मैं क्या बताऊँ, रिकॉर्ड करने में पूरा, मतलब भाई क्या बताऊँ यार, रिकॉर्ड करने में पूरा टाइम लग जाता है, जो टाइम मैंने अभी इधर रिकॉर्डिंग में डाला है, एंड मेरा कैमरा भी चार्ज होकर रेडी हो चुका है, एंड इस पर भी अभी ब्लॉग्स आने वाले हैं, जो मतलब हाँ मैं इस पर रिकॉर्ड करने वाला हूँ, मैंने एक ब्लॉग रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन पता नहीं मैं कब अपलोड करूँगा उसको, लेकिन हाँ भाई करूँगा तो ज़रूर उसको अपलोड। एंड गाइज वीडियो कितने मिनट के बन गए एक बार देख लेते हैं भाई, एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ कि पूरा वीडियो का वो कितना है, बजट कितना है,
ये हमारे पार्ट्स है, तो ये है कम से कम 249 MB सारे के सारे मिला के कितना बनता है। मैं एक बार भाई वंडरशेयर फिल्मोरा में खोल के देखता हूँ, एंड अगर कुछ ज़्यादा पार्ट चाहिए तो और दूसरा वाला पार्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा यार भाई, अभी क्या कर सकते हैं यार। ठीक है गाइस, और दूसरा वाला पार्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अगर मतलब हुआ तो मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर हुआ तो मतलब गाइस रुक जाओ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एंड आपको मिलता हूँ आउट्रो में। मतलब अगर आउट्रो का वक्त आ गया तो आउट्रो कर लेंगे, एंड अगर आउट्रो का वक्त नहीं है तो मैं आपको मिलता हूँ गेम पे वापस। रुक जाओ गाइस, मैं आपको मिल रहा हूँ गेम पे वापस। को भाई अभी वीडियो में सिर्फ 20 मिनट बाकी है, उसके बाद एक घंटे की वीडियो हो जाएगी, एंड तब तक मुझे एक चीज मतलब अभी पार्ट तो रिकॉर्ड करना ही है, तो भाई इतना धीरे धीरे चल रहा हूँ भाई, ये सीजे जब से बॉडी बिल्डर बना है ना भाई, तब से इतना धीरे धीरे चल रहा है ना भाई, मैं क्या बताऊँ यार। चलो कोई बात नहीं, अगर धीरे चल भी रहा है तो कोई बात नहीं, पहले मुझे गेम को सेव करना है एंड उसके बाद वापस मुझे गेम को लोड करना है, ताकि भाई वरना कोई भी सीन नहीं होना चाहिए बाद में, मेरा गेम डिलीट हो गया, मेरे फोल्डर्स डिलीट हो गए। ठीक है, एंड गाइस कल की स्ट्रीम पे आना ही है सबको, मैं ये कह रहा था कि एंड अभी हम गेम पे ध्यान देते हैं, अभी मेरा था उसका नाम यार, मैं उसका नाम भूल गया, और अभी मुझे बिग स्मोक पे फोन किया था, उसने बोला है कि तुम्हारे तुम्हें बहुत बड़े माफिया तुम्हारी शोरूम का पता है, इसीलिए तुम अपने शोरूम का डील खत्म करो एंड भाई पहले काम करो यार अभी। ठीक है, तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ मेरे शोरूम का डील को ख़त्म करने के लिए, अभी मुझे बेनी का फ़ोन आया था, बेनी ने बोला है भाई पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए, पता नहीं पैसे कहाँ है वो तो पता नहीं है, लेकिन सॉरी गाड़ी कहाँ है पता नहीं, गाड़ी उसने रख दी है लेकिन पैसे पता नहीं अभी तक आए क्यों नहीं, पता नहीं इस पैसे पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया यार, मुझे लग रहा है ना कुछ सीन हो रहा है, वो भाई पैसे तो कब भी आ गए भाई, ये देखो पहले हमारे पास 20,000,476 नहीं तो भाई 450 था, अभी हमारे पास 477 आ चुका है भाई, ओ पी यार पैसे तो कब के आ गए, मैं सोच रहा हूँ भाई पैसे दिखाई नहीं, पैसे अब दिखाई नहीं भाई, तो पैसे तो कब के आ गए, मैं भी यार भाई क्या क्या सोचता रहता हूँ यार भाई। पैसे गाइस एक डील तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड अभी मुझे बेनी का फ़ोन आया था कि बेनी ने बोला है कि अगर तुम मेरी मदद चाहते हो, मतलब बेनी तो मेरी मदद कर रहा है लेकिन वो सारा टाइम ये चीज़ नहीं कर सकता, बिकॉज उसकी भी भाई आपको पता है उसकी भी एक वर्कशॉप है, तो उधर उसको काम करना है, तो इधर इतना वो मतलब ध्यान नहीं दे सकता यार, इसीलिए मैंने बेनी को बोला कि जब तू फ्री होगा तभी मैं तुझे कॉल करूँगा, जब तू फ्री नहीं होगा भाई कॉल नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर गाइज मैं इधर ये मार दूँ तो क्या होता है, क्या गैरेज फट जाता है कि नहीं, dog.
looking pumped, home. I was talking to you. What's your problem? Head up. इधर का भी आग बुझ गया है भाई, काम तो मेरा हो गया भाई। हमने एक चीज कर दिया है भाई, लोगों अच्छा भी लगा यार भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इतने बड़े माफिया हो गए, ये छोटा सा काम नहीं कर सकते यार भाई। ये अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। मैं एक बार गाइस ऊपर, कौन बंदा मेरे से पंगा ले जाता, मतलब भाई देखना है ना कौन एक अच्छा गैंगस्टर कौन है हमारे ग्रोव स्ट्रीट का। एक चीज तो पता है कि मैं ही हूँ, लेकिन मेरे से भी एक बंदा है जो एक अच्छा गैंगस्टर है, पता नहीं वो कौन है, लेकिन हाँ वो है एक अच्छा गैंगस्टर। Hey, this is Soggy Endo. Guys, इसके हाथ में अभी गन थी, इसको शायद से गुस्सा आ गया। Looking like a male model or something. इसको मारता हूँ। गुस्सा आएगा तेरे भाई। हाँ मैं टेस्ट से मुझे देखना है कि कौन मुझसे देख के मतलब ओवर स्मार्ट बनने को। I spit on. एक ही गोली से खत्म भाई। एम्बुलेंस वाले भी भाई देख के बोल रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पुलिस वाले हमारे अंदर घुस जाएंगे और पूरा खत्म कर देंगे कहानी। अभी मैं जा रहा हूँ अंदर एंड थोड़ा टाइम रेस्ट ले लेते हैं, खा पी लेते हैं, बैठ लेते हैं थोड़ा टाइम, गेम को भी सेव कर लेते हैं, बिकॉज भाई गेम अगर सेव नहीं किया तो मेरे साथ गलत सीन हो जाएगा। अभी ना गाइस, अभी मुझे ना इस पे जाने के बाद डिलीट गेम पे जाना पड़ेगा एंड इस फोल्डर को मुझे करना पड़ेगा डिलीट। एंड अभी जाने के बाद मुझे जूम पे जाना है, फिर से मुझे इस पे जाना है, इस पे जाना है एंड मुझे फिर से मुझे इस पे जाना है, इसे इस पे कर देना है एंड हमारा गेम हो गया सेव एंड भाई हमारा काम हो गया कंप्लीट भाई। 20 मिनट की वीडियो और थोड़ा ही काम बाकी है, थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते भाई। इतना क्या जाता है यार, ज्यादा बोल रहा हूँ, इतना क्या जाता है भाई। अब मैं मुझे टाइम पे वीडियो भी डालनी है और आज मुझे असल भी में खेलना भी है, तो भाई शेड्यूल तो बनाना पड़ेगा ना। ये ले ये ले भाई, फूट डालूंगा पूरा। और कोई है जो इस सीजे माफिया से पंगा ले भाई, कोई है भाई बताओ, नाम बताओ उसका, मैं सीधा साइड पर गया उससे इसको मैंने बताया। तू भी गया भाई, मैं आपको गुंडा समझ रहे हैं। If I hadn't seen it with my own eyes. Oh, तूने नहीं दिखा क्या मौत? ये ले भाई, ये ले मौत. Send them ducats over here. ये ले मौत, ये ले मौत, और क्या मौत चाहिए? यार देखो गाइस, हमारी वेपन स्किल भी पूरी बढ़ चुकी है भाई, ओपी। तो मैं इस गाड़ी को फोड़ के देखने होता क्या? अगर मैंने इधर एक लगाया, अगर मैंने इधर एक लगाया, तो भाई क्या होता है देखना तो पड़ेगा ना। एक दो एंड तीन, गोलीबारी हो गई गाइस।
आराम से थोड़े दिन बैठ लेते भाई, आराम से भाई बैठ ले थोड़े टाइम गाइस बैठ लेते हैं भाई। मैं पता नहीं क्या कर रहा था लेकिन फिर भी मेरे लिए तो भाई ये चीज बिल्कुल ओपी है। मुझे पुलिस वालों को परेशान करना बिल्कुल पसंद। ये कौन है? और ये जो गाइस बंदा है ना, ये कौन है पता है आपको? ये है सीजे एंड ये इसकी सिस्टर है। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो स्टोरी है ना सीजे की, और पहली बात उसकी माँ मर चुकी है एंड उसकी जो सिस्टर है पता नहीं भाई कहाँ जा चुकी है, मतलब गुंडों ने किडनैप कर लिया ऐसा समझ लो। तो हाँ ये पूरी स्टोरी कुछ ऐसी मेन बेस लाइन है, पता नहीं मैंने देखा था यूट्यूब में कहाँ पर इसके चैनल पे, तो हाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ठीक है। अगर गाइस झूठ स्टोरी है तो भाई उस चैनल को मैं अभी डिसलाइक करके आता हूँ भाई, अभी डिसलाइक करके आऊँगा अगर किसने झूठ स्टोरी बनाई। कमेंट्स में जरूर बताना कि स्टोरी झूठ है कि सच है भाई। अगर झूठ है तो मैं सीधा डिसलाइक करने जा रहा हूँ। थोड़ा गलत सीन हो गया, पुलिस वाले समझ नहीं लेते, न्यू गेम में चलते हैं, फिर से इसको लोड कर लेते हैं, हो गया हमारा काम। पुलिस वाले भाग चुके हैं, ये देखो गाइस पुलिस वालों को भगाने की एक तगड़ी वाली ट्रिक भाई। ये गाइस ये आजमाओ मत, बिकॉज मैंने मेरे गेम पे किट्स एंड मोड्स दोनों डाल के रखे तो भाई मुश्किल हो जाती है, कभी कभी गेम क्रैश हो जाता है भाई। कोई ट्राई नहीं करेगा ठीक है भाई, ये पुलिस वालों को भगाने की मेरी ट्रिक है, कोई ट्राई नहीं करेगा। एंड 20 मिनट की शायद वीडियो बन चुकी यार, देखते हैं टाइम, देखते हैं गाइस 11 मिनट क्या रहा और 10 मिनट तो बाकी है, 10 मिनट में खेल ले तो यार मेरा गेम को क्या हो गया। लेकिन मेरा गेम तो मस्त चल रहा है गाइस, बट देख ले तो भाई मेरा गेम गाइस। भाई आपने देख लिया क्या भाई? यार मैं नहीं दिखाना चाहता था आप लोगों को यार, नहीं मैं पता नहीं कितने गलती करता रहता हूं। पता नहीं भाई मैं कितने गलती करता रहता हूँ भाई, ये चीज नहीं दिखाना था भाई आप लोगों को यार, सीक्रेट चीज थी भाई, मैंने दिखा दिया यार, बहुत गलत सीन हो गया मेरे साथ। पता नहीं गेम वो हो चुका है, रुक जाओ गाइस एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको मिलता हूँ फिर से गेम में वापस। एंड एक बार मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ, वापस आपको मिलता हूँ गाइस, लेट्स गो भाई। मैंने रिकॉर्डिंग का टाइम चेक कर लिया है एंड अभी मुझे सिर्फ 4 मिनट की रिकॉर्डिंग करनी है, उसके बाद हमारी बन जाएगी वीडियो 1 घंटे। हाँ भाई ये वीडियो रिकॉर्ड करने में ना गाइस मैं पक्का बता रहा हूँ चार घंटा। कल 1 घंटा, आज 1 घंटा, उसके बाद और 2 घंटे की मेहनत एंड उसके बाद भाई वीडियो जरूर देखना यार भाई। मैं इस वीडियो को बनाने में मुझे, मैं जितनी मेहनत करता हूँ ना माइनक्राफ्ट में उतनी उससे भी ज़्यादा मेहनत लगी है मुझे GTA San Andreas के ये वीडियो पूरी कंप्लीट करने में। और आप लोग इतना अच्छा रेस्पॉन्स भी देते हो भाई, लेकिन एक चीज़ गाइस समझ लो ठीक है, वीडियो तो आएगी GTA San Andreas का लेकिन एक दिन कभी लेट भी आ सकती है, बिकॉज भाई रिकॉर्ड करने में यार टाइम लगता है यार। GTA 5 का देखो भाई कितना टाइम लगता है, टेक्नो गेमर्स का वीडियो देखो भाई कितना टाइम लगता है रिकॉर्ड करने में, कम से कम 8 घंटा तो वो GTA 5 खेलता ही है, 8 घंटे की वीडियो के साथ वो क्रॉप करके ट्रिम करके एक छोटी सी 1 घंटे की वीडियो बनाने की कोशिश करता है भाई। मेरा भी वही सीन है, रिकॉर्ड करने में भाई कोई मुश्किल नहीं, लेकिन भाई वीडियो बनाने में जो मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, वीडियो की जो मतलब वीडियो की जो मैंने वोड रखी है, जो मैं इंट्रो बोलूँगा, जो मैं आउट्रो लगाऊँगा एंड बहुत सारे जो कट्स है, जो कट सीन मुझे नहीं दिखाना है
उन कट्स को भी मुझे कट करना है एंड वापस मुझे अगर वीडियो खराब हो गई तो भाई वापस रिकॉर्ड करना है। तो भाई आज भी मेरे साथ यही सीन हुआ है, सेम सीन। तो भाई वीडियो यार जरूर देख लेना गाइज, भाई सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो भाई इतनी मेहनत से इतनी लगन से मैं बनाता हूँ, मतलब हाँ भाई हाँ। और हमारे अभी और आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया, उसके साथ आप लोगों ने अच्छा प्यार भी दिया, 50 सब्सक्राइबर्स भी हमारे कंप्लीट हो गए, मतलब हमारी सेंचुरी कंप्लीट हो गई, हाफ सेंचुरी हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी एक चीज बाकी है, फुल सेंचुरी करना, वो होगा 1000 में। तो भाई क्या कर रहे हो यार, इतने कम सब्सक्राइबर्स बाकी है, भाई जल्दी करो 1000। सच्चे इस बार तो इस साल में सच्चे मेरे 1000 कंप्लीट भी हो जाएंगे भाई। इतना आप लोगों को जीडी संडास पसंद है ना भाई, मैं जब गेम प्ले करता हूँ तब मुझे लगता है भाई लोगों को माइनक्राफ्ट एंड बाकी जो गेम्स होते हैं उन पे अच्छा लगता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि जीटी सैन एंड्रियास पे भाई कितने मस्त व्यूज, कितने आप लोग प्यार देते हो, कितना सब्सक्राइबर देते हो भाई। एक दिन में 50 सब्सक्राइबर भाई, मैं नहीं मान सकता यार। और सेंचुरी भी कर दो यार, फुल सेंचुरी, मतलब मजाक कर रहा था, फुल सेंचुरी मतलब होता है 100, मतलब एक 100 सब्सक्राइबर्स भी कर दो, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है भाई। बिकॉज भाई 100 सब्सक्राइबर्स के बाद मेरा बहुत सारे प्लान्स है मैं जो बताऊंगा, लेकिन हाँ अभी नहीं, वो सीक्रेट है भाई, सीक्रेट रहने देते ठीक है, वो सीक्रेट है, वो आपको बता के कोई फायदा भी नहीं है अभी। हाँ जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दो, 100K नहीं, मतलब 100K की बात नहीं कर रहा, 100 मतलब फुल सेंचुरी भाई कर दो, और 50 सब्सक्राइबर्स बाकी है, उसके बाद हमारी हो जाएगी फुल सेंचुरी, उसके बाद और 100 सब्सक्राइबर्स बाकी है, उसके बाद गाइज उसके बाद होगा सबसे तगड़ी हमारे चैनल पे 100K, मतलब पूरा मिला के 100K होने में कम से कम 50 सब्सक्राइबर्स बाकी है, फुल सेंचुरी होने में 50 प्लस 100। हाँ मैं एक बार देख लेता हूँ यार, तो जो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ भाई, ये चीज़ करना पड़ता है यार। Did somebody just say milkshake? Plus 150, सिर्फ 150 सब्सक्राइबर्स है, उसके बाद हमारे चैनल पे हमारा चैनल हो जाएगा YouTube मोनेटाइज कर देगा भाई। उसके बाद क्या आपको पता है ना भाई, स्पेशल लाइव स्ट्रीम सेटअप भी चेंज होगा एंड YouTube से पैसे भी, हाँ पैसे YouTube से पैसे आना शुरू हो जाएंगे, मतलब मैंने मुझे पता नहीं यार अभी ये वीडियोस पे हमको पैसे मिलने वाले हैं, ये जो मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी डी संडियास का, क्या जब 100K हो जाएंगे क्या इन वीडियोस पे हमको पैसे मिलेंगे? अगर मिले तो भाई बहुत तगड़ी बात है, बिकॉज इन वीडियोस पे इतने व्यूज़ है ना भाई, 74, 40, उसके बाद आज का लाइक एम गोल, आज का व्यूज एम गोल के साथ भाई, उसके बाद मुझे लग रहा है मैं मेरे भाई बहुत मस्त ट्रिक मेरे हाथ पे लग चुकी है। मुझे पहले लगता था भाई लोगों को माइनक्राफ्ट पसंद होता है, लेकिन भाई आज पता चला लोगों को जीटी से इंडिया जैसे गेम्स पसंद होते हैं, स्टोरीज पसंद होते हैं गाइज आप लोगों के लिए। अगर आपको ऐसे स्टोरीज पसंद है ना भाई, कोई बात नहीं, हम माइनक्राफ्ट में भी खुद का स्टोरी बनाएंगे, जैसे चपाती भाई ने जो लॉगी भाई के साथ जो मतलब स्टोरी बनाई, तो हम भी वैसा ही एक स्टोरी बनाएंगे एंड हाँ एंड आपको दिखाऊंगा कि स्टोरी बनाने में कितना टाइम लगता है। और गाइज एक चीज तो आने वाला है भाई, जीडी सेंडर्स के वीडियो कैसे रिकॉर्ड करने में कितना टाइम लगता है वो ट्यूटोरियल भी मैं देने वाला हूँ, लेकिन भाई वो ट्यूटोरियल देके यार लोग भाई मेरे कॉपी करना शुरू कर देंगे यार। नहीं नहीं भाई वो आप कट करो 100K में, आप वो शायद स्पेशल लाइव स्ट्रीम में मैं बताऊंगा शायद से, हाँ पता नहीं, मैं बताऊंगा कि नहीं, मैं बता भी सकता हूँ नहीं भी बता सकता हूँ। एंड गाइज 100 सिर्फ 150 सब्सक्राइबर्स बाकी है भाई, जल्दी आप लोग, मुझे पता है यार आप लोग इस ईयर में, इस ईयर के एंड तक 150 सब्सक्राइबर्स ऐसे कॉम्प्लीट हो जाएंगे भाई, व्यूज इतने तगड़े तगड़े आते हैं भाई, सब्सक्राइबर क्यों नहीं आएंगे यार। और मैं मेरा डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन कर लूँ यार, डिस्कॉर्ड पे बच जाओ बोरे, डिस्कॉर्ड पे भी भाई बात करते हैं हम लोग कभी कभी, हर रोज डिस्कॉर्ड पे मैं हर रोज आता हूँ, और इसको डिस्कॉर्ड पे अगर किसी को मेरे से बात करनी है तो नंबर ले लो, लेकिन डिस्कॉर्ड का मतलब डिस्कॉर्ड ज्वाइन हो जाओ, उसके बाद
जितने घंटे मतलब एक जितने टाइम आपको बात करना है बात कर लो, और जब मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग स्ट्रीम करने का एडिट करने का वक्त हो जाएगा तब मैं लेफ्ट कर दूंगा, तब समझ लो कि भाई अभी मैं ज्वाइन नहीं हो सकता, मैं बिजी हूँ, ठीक है। और गाइस डिस्कॉर्ड पे मुझे कॉल करने की बिल्कुल ही कोशिश मत कर देना, ठीक है भाई। डिस्कॉर्ड में अगर आपने कॉल करना नहीं, आप कॉल तो नहीं कर सकते, तो आपका कॉल एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला, और मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ मतलब बहुत जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना उन लोग मतलब वो लोग कॉल एक्सेप्ट नहीं करते। जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना वो लोग कॉल एक्सेप्ट नहीं करते, तो मैं भी भाई कॉल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। डिस्कॉर्ड में कॉल करके आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ आप मेरे वीसी पे आके मेरे साथ बात कर सकते हो, बस इतना ही, और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। हो गया, डिस्कॉर्ड में ये काम होता है। मिथपैट के वीसी में भी आप जाओ, अगर आपको मेरे साथ बात नहीं करनी है भाई मिथपैट के सर्वर में जाओ यार, वो भी क्या मस्त मस्त वीडियोस बनाते फनी। मैं भी और जीते से इंडियाज पे ना गाइस, लोगों को फनी, अगर आपको ऐसे फनी क्लिप्स चाहिए जो मैं रिकॉर्ड करते टाइम पे मैं एडिट करना भूल जाता तो वो भी बताना, मेरे पास बहुत सारे है, लेकिन यार अभी मैंने YouTube पे डाल दिया तो भाई कॉपीराइट नहीं पड़ जाना चाहिए, वही बात है, बिकॉज बैकग्राउंड में कुछ साउंड आ रहा था उसको मैंने एडिट भी नहीं करके रखा है, तो भाई हाँ चलो दिखाएंगे यार किसी दिन, हाँ किसी दिन बनाएंगे, एंड अभी देख लेते टाइम, 8 मिनट की वीडियो बन चुकी है, एंड मुझे 4 मिनट की सर बनानी थी, एंड भाई हमारा काम गाइज हो चुका है कॉम्प्लीट। एंड गाइज आज की इस गेम प्ले वीडियो के लिए इतना ही, आई होप अगर आपको ये गेम प्ले वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ, रुक जाओ मैं बोलने वाला है 80, लेकिन नहीं भाई, इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 90 व्यूज का। सभी लोग जाओ व्यूज का एम गोल कॉम्प्लीट कर दो भाई, 90 व्यूज कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, लेकिन भाई आप लोग कर दोगे यार, मुझे पक्का पता है यार आप लोग कर दोगे भाई, आप लोग सब्सक्राइबर बना सकते हो भाई, व्यूज क्यों नहीं बना सकते। एंड इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 90 व्यूज, नहीं तो 90 लाइक्स, इन दोनों में से एक कर दो भाई, वीडियो आ जाएगी, लेकिन थोड़ा देर होगी बिकॉज रिकॉर्ड करने में भाई टाइम लगता है, एंड भाई इस वीडियो को बनाने में भाई बताओ मत बताओ यार, मैं सुबह से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अब तक, अभी कितने बजे टाइम, अभी 2 बज चुके हैं, अभी सुबह से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 2 बजे तक, तो भाई वीडियो जरूर देख लेना। एंड इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 90 व्यूज एंड 90 लाइक्स का, इन दोनों में से एक कर दो, सभी लोग जाओ लाइक नहीं तो व्यूज का एम गोल कॉम्प्लीट कर दो। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जिसको ज्वाइन करना है मेरे से बात करने के लिए ज्वाइन कर सकते हो। एंड आज की इस गेम प्ले वीडियो के लिए इतना ही, मैं बताऊँ नेक्स्ट और न्यू गेम प्लेस के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।